भोपाल में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा जी का भोपाल में पहला कार्यक्रम है, जिसे लेकर जोरों से तैयारियां की जा रही हैं। नड्डा बीजेपी कार्यालय में मंत्रियों की बैठक लेंगे और लाल परेड ग्राउंड के सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे। कांग्रेस की खरीद फरोख्त के आरोपों पर मंत्री सिंह ने कहा कि खरीद फरोख्त की संस्कृति कांग्रेस ने ही शुरू की थी। इसके अलावा मंत्री सिंह ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार भी किया। पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है। 1 तारीख को 11 बजे माननीय अध्यक्ष जी आएंगे और उसके बाद फिर कार्यालय में अध्यक्ष जी का एयरपोर्ट पर स्वागत होगा। फिर उसके बाद कार्यालय पहुंचेंगे अध्यक्ष जी और वहां पर कार्यालय में मंत्रियों की बैठक लेंगे और उसके बाद जो लाल परेड ग्राउंड है वहाँ पर जो हमारे पार्टी के प्रदेश के वर्किंग कमेटी है वो और प्रमुख कार्यकर्ता जो भी अध्यक्ष जी तय करेंगे उनका सम्मेलन होगा। पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पंचायत चुनाव की दृष्टि से ये कोशिश करना कि भाजपा समर्थित जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हों, जनपद सदस्य हों, अध्यक्ष हों, ये भाजपा समर्थित बने, इसका प्रयास पार्टी करेगी और पार्टी ने इसके लिए भी जिम्मेदारियां तय की हैं कि स्थानीय स्तर पर समन्वय भी हो जिसमें आपस में टकराव ना हो। कि निकाय चुनाव का जो अनाउंस है वो तो राज्य निर्वाचन आयोग को करना है और जो संभावना है वो जुलाई में जैसे ही पंचायत के चुनाव होंगे उसके तत्काल बाद फिर नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त 1st वीक तक लगभग नगरीय निकाय के भी सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे।